जिला सीईओ कांकेर सुमित अग्रवाल आज विकास खंड कोयलीबेड़ा में गौठान द्वारिकापुरी बारदा कृष्णानगर सावेर पड़ेंगा बड़गांव का भ्रमण कर गौठान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरपंच समूह अध्यक्ष व सदस्यों के साथ मेट में ही बैठकर बैठक कर चर्चा किए। उनकी समस्याओं मांग पत्र प्रगति से अवगत हुए। साथ में जनपद सीईओ आशीष दे पखांजूर कृषि अधिकारी ऋषि कुमार पटेल मृणाल सिकदार एसबीएम विहान से पीआरपी जनपद कोयलीबेड़ा रहे। द्वारिकापुरी गौठान में कोटना पानी टांका वर्मी बेड वर्मी टांका आज का गोबर क्रय आदि पाया गया तथा दिशा निर्देश दिया गया तथा पर्याप्त पैरा रख दे तो 10 दिन में ही जानवर की आदत पड़ जाएगी जिससे गौठान में गोबर की उपलब्धता होगी व चरवाहा उसे बेचकर अपनी प्रतिदिन की आय बढ़ा पाएगा। वहां पीडीएस भवन एवं कचरा सेट का निरीक्षण कर ग्रामीण जन एवं महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के साथ उनकी मांग को तत्काल स्वीकृति देने हेतु कहा। बारदा गौठान का निरीक्षण कर पेड़ के नीचे छाया में बैठकर चर्चा कर उनकी सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए स्वीकृति करने दिशा निर्देश दिए तथा बारदा के निर्माणधीन आंगनबाड़ी का निरीक्षण किए। वहां से क्रमश कृष्णानगर गौठान पहुंचकर गौठान का निरीक्षण किए जहां स्व सहायता समूह सेट निर्मित मुर्गी शेड जहां लेयर मुर्गी तैयार कर अंडा बिक्री करने तालाब में मछली पालन करते आदि मूलभूत सभी निर्माण कार्य देखे। 19 वर्मी टांका से उत्पादित तैयार कंपोस्ट खाद को छनाई कर शीघ्र लैंपस में पहुंचाने निर्देशित किया गया। वहां से पखांजूर पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा कर आगे के जहां सभी मूलभूत संरचना निर्मित व संचालित है मेट में ही बैठकर समिति समूह व पंचायत के सदस्यों के साथ चर्चा किए। एक सदस्य से वर्मी टांका को कैसे भरा गया पूछा गया तो उनके द्वारा सही जवाब भी दी गई। वहीं सभी 6 गौठानों में भ्रमण कर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरपंच समूह के अध्यक्ष व सदस्य गण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। इतनी महत्वपूर्ण योजना है गौठान की और काफ़ी लोग यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं, क्या लगा आपको सर यहाँ पे निरीक्षण? अभी हम सुबह से यहाँ पर 3 गौठान का निरीक्षण कर चुके हैं और अभी 3 गौठान का और करेंगे। तो हमने 3 गौठान जो किया वो कुछ फर्स्ट फेज का भी था, कुछ सेकंड फेज का था और कुछ थर्ड फेज का था। तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज के गौठान है वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगभग बन चुका है और वहाँ पर खाद का निर्माण भी हो रहा है, गोबर का खरीदी भी हो रहा है। अब हमारा वहाँ पे ये प्रयास है कि वहाँ पे समूह की जो महिलाएं हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों से जोड़कर उनका जो इनकम है उनका आय का लेवल है उसको और बढ़ाया जाए। इस संबंध में सभी वहाँ पर जो समूह कार्यरत हैं उनसे बहुत अच्छी चर्चा भी हुई है और उनकी कुछ कुछ इच्छाएँ थी कि हम ये काम करना चाहते हैं, कुछ अगरबत्ती बनाना चाह रहे हैं, कुछ दोना पत्तल करना चाह रहे हैं, कुछ राइस मिल मिनी राइस मिल लगाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से सबके हमने लिस्टिंग कर रहे हैं और उनके इच्छा अनुसार और जो मार्केट में उनका जो सामग्री बिक्री होने के हिसाब से फिर उनको प्रशिक्षण देके हम उनको गतिविधि से जोड़ेंगे। क्या लगता है सर आने वाले समय पे इनको कितना लाभ होगा? हमारा जो लक्ष्य है कि समूह की प्रत्येक महिला को मासिक जो है 6,000 का लगभग मिनिमम इनकम उनको होना चाहिए। तो हम उसी के अनुसार से प्लानिंग कर रहे हैं कि एक गौठान में हम एक समूह को जोड़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें ताकि उनका इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्षेत्र तो जो कि कृषि प्रधान है और यहाँ के लोगों को जो फ़ायदा मिल रहा है, क्या लगता है आपके डेटा हिसाब से कि यहाँ कितने लोग लाभान्वित होंगे इससे? इससे देखिए अगर हम एक गौठान से अगर एक समूह को भी जोड़ते हैं तो एक समूह में लगभग 10 महिलाएँ होती हैं, तो एक गौठान में 10 महिलाएँ तो शुद्ध रूप से डायरेक्टली हमारे उनसे लाभान्वित होंगे। और हमारे ये पूरे कोयलीबेड़ा पखांजूर क्षेत्र में हमारे 95 गौठान हैं तो हमारे लगभग 9 से 9,500 महिलाओं को तो डायरेक्ट रूप से इनको स्वरोजगार और बाकी लाइवलीहुड एक्टिविटी से हम लोग जोड़कर उनका इनकम लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि चलाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दें, उनका मदद करें और उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। थैंक यू।